सो गाइस, ये है मल्टी फंक्शनल फेशियल मसाजिंग मशीन और इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि नाइट केयर, अंडर आई केयर और स्किन लिफ्टिंग। सो गाइस, ये था रंजना का नाइट रूटीन, ब्यूटी रूटीन। और अभी तो हम लोग रेडी होंगे और कुछ ऑर्डर करेंगे बाहर से, क्योंकि आज भी आकाश ने छुट्टी ली है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वीट ऑफ मॉर्निंग। यस। सो आज है मंडे, 9th of September। यस। और आज और कल ही केवल जाना है रंजना को ऑफिस, उसके बाद तो हम लोग जाएंगे लखनऊ, फिर जाएंगे वियतनाम। सो अभी तो हम लोग पूजा वगैरह करके रेडी हो चुके हैं और पप्पा को मोदक चढ़ा दिया है। कल तो पप्पा ही मोदक खा गए। हाँ, तो रंजना को करेंगे ड्रॉप और उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं, तो स्टे ट्यून। ये रखिए, तो रंजना पूरा गाना होना गा के, और ये शूज है अपने ऑफिस के भी लिफ्ट में, तो कोई नहीं होता है ना, तो हम गाना और डांस वर्स करते हो यार, कुछ सेकंड्स में जी लो जिंदगी। पानी मजे है वो, और खुशी है भाई, जा रहे हैं ट्रिप में, तो अभी गाड़ी लेते हैं और फिर ड्रॉप करते हैं। ये भी हमारे गणपति बप्पा का मंदिर है यहाँ पे। हे गाइस, सो आई एम बैक नाउ और रंजना को ड्रॉप करके, आज भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, अच्छा ही है, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल ही पूरा चल रहा है गणेश जी का। मैं क्यों बालकनी में आया हूँ, आपको एक चीज़ दिखानी है, हमारे क्यूट क्यूट से प्लांट, और देखिए इसमें फ्लावर भी निकला है। सो आपको अगर पता हो तो कमेंट करिए। और दिस इज पर्पल हार्ट, और यहाँ पे कुछ हमारे मनी प्लांट्स हैं, और ये बैम्बू प्लांट है, और ये नीचे एक पड़ा हुआ था, ड्राई हो रहा था तो मैंने उसको लगा दिया, तो सेफ रहेगा। और ये है स्नेक प्लांट, गुड फॉर ऑक्सीजन, तो इसको इंडोर में भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया एक प्लांटर, और ये हो गया दूसरा प्लांटर। दिस ऑल इज फ्रॉम द बैंकॉक, तो हम रंजना ने एक पूरा टहनी ले लिया था बैंकॉक से, तो वहाँ का है पूरा, अच्छे से ये प्रोपागेट हो गया है। यहाँ पे भी है, देखिए छोटे छोटे लीव्स निकल रहे हैं। बेसिकली मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी आफ्टर 2 डेज वी विल बी ट्रैवलिंग लखनऊ, उसके बाद वियतनाम, तो ऑलमोस्ट हम लोग की 15-16 डेज की ट्रिप होने वाली है। बट क्या होता है कि हमेशा प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हो और कौन पानी इसमें डालेगा, और ड्राई हो जाते पूरा, तो बहुत ही दुख होता है। इसीलिए हमने क्या किया, लास्ट टाइम में भी हम जब थाईलैंड गए और अलग अलग कंट्रीज गए जहाँ पे 4-5 डेज के ऊपर ही हम लोग गए, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे जूट का जो रस्सी होती है उसको 3-4 लगा दिए एक एक प्लांटर में, और यहाँ पे भी 2-2 करके लगा दिया छोटे छोटे जो पॉट्स है, और नीचे 2 बाल्टी रख दिए थे फुल करके। तो पहले तो इसको वाटरिंग कर दिए फुल, और वहाँ जो बाल्टी था उसमें भी फुल कर दिए थे, तो ऑटोमेटिकली ये ले लेता है जब भी इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आपने सुना होगा ना कैपिलरी रिएक्शन, हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था साइंस में, तो वही टेक्नोलॉजी है, इसमें भी लगती है। और अगर आपके पास जूट का रस्सी नहीं है, कॉटन का एक दुपट्टा था फेंकने वाला, तो उसको मतलब मैंने फिर रस्सी बना के अच्छे से इसमें लगा दिया, तो वो भी काम कर गया। और यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ आपको, ये है ब्रेड, और आप सोच रहे होंगे क्यों, तो यहाँ पे हमारी गिलहरी आती है, तो एक्चुअली यहाँ से आएगी और इसको फिर खींचती है यहाँ तक और खाएगी। एवरी टाइम वी कम वी जस्ट कीप इट दिस साइड ओनली, वहाँ से हटा के यहाँ पे रख देते हैं। उसका रीजन है क्या होता है, एक बार मैंने देखा कि पूरा ब्रेड रखा था लेकिन पूरा गीला हो गया, क्योंकि बारिश होती है तो वहाँ पे भी आता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मतलब गिलहरी और नीलकंठ, और एक दिन तो पैरट आया था ऊपर में, ऐसा ओपन हम लोग का नहीं है, ग्रिल्ड है, नहीं तो ऑलमोस्ट सभी पक्षी आने के लिए तो रेडी रहेंगे, क्योंकि खाना भी वहाँ पे मिल जाता है और पानी वगैरह भी हम लोग रखते हैं अलग से। तो अभी तो बहुत काम है, एडिट करना है, तो एडिट करते हैं कल का ब्लॉग। वैसे भी आप लोग ने देख लिया होगा हम लोग का कुछ स्पेशल नाइट रूटीन होने वाला आज, क्योंकि वियतनाम ट्रिप के लिए पहले से कैसे हम लोग रूटीन करते हैं और कैसे हम लोग रेडी होते हैं वो आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर रूम। सो अभी और मैं और रंजना जो है आ चुके हैं घर में, और ये कुछ हमारा सेटअप है तो ये आप देख लीजिए, पहली बार हम दिखा रहे हैं, और इसका भी आपको रिव्यू देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। अभी होगा नाइट रूटीन व्लॉग, क्योंकि कल हम लोग को तो रात में निकलना है तो टाइम नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग दिखा रहे कि क्या कैसे करते हैं, और रंजना विल डेमोंस्ट्रेट। सो ओवर टू रंजना।
हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं अभी ऑफिस से बस 10 मिनट्स पहले लौटी हूँ, और क्योंकि कल जाना है तो आई टेल यू व्हाट, जब भी मुझे जाना होता है जो भी स्किन केयर या स्किन ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ रहता है तो मैं एक दिन पहले करती हूँ स्किन केयर, एज वेल एज आई विल टेक अ लिटिल केयर ऑफ अ पूर स्किन टू। तो सबसे पहले आता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आपको पता है क्या है, ये है एपिलेटर। और नॉर्मली क्या होता है, गर्ल्स के संग हम लोग वैक्स के लिए जाते हैं पार्लर्स वगैरह, सो दैट ट्रीटमेंट इज़ नॉट गुड फॉर अ स्किन बिकॉज आपका स्किन ना एवरी टाइम लूज होता जाता है। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस ब्राउन सिल्क एपिलेटर, एंड इसके लिए भी एक हिस्ट्री है। जब मैं बहुत छोटी थी आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस, एंड दैट टाइम आई रिमेम्बर आई वॉज इन सिक्स स्टैंडर्ड, तो इसका एड आता था एंड दैट टाइम इट वॉज लाइक 13 to 17,000। तो मैं हमेशा चाहती थी कि आई विल कलेक्ट माई मनी एंड आई विल बाय दिस, जो मैं हमेशा से अपने स्किन और ग्रूमिंग को लेकर बचपन से ही बहुत ही पॉजिटिव रही। तो द बेस्ट पार्ट कि आपको इसके लिए वैक्स भी नहीं कराना है, एंड इट actually prevents the hair growth for even a month, you know, and using this is so easy, I just tell you. So apply some talcum powder on a skin. I'm just going to show you on my hand. So I will apply some talcum powder on my skin, and it is having a 2-speed. Also it is having some more attachments जिनको आप अपने यूज के लिए कर सकते हो। तो ये है 1-speed, ये है लो स्पीड। तो अभी करना क्या है, ये जो लाइट है ना, इफ यू आर कॉन्टेक्टिंग दिस विद द स्किन टू क्लोज तो ये रेड हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड किसी भी ट्रस्टेड साइट से आप ले सकते हो। एंड इस डायरेक्शन में आई जस्ट शो यू, मेरे बहुत ही बेबी हेयर है, इट्स सो इजी, एंड मिनटों में आप आराम से घर बैठे इसको यूज कर सकते हो। सो मिनटों में आप इसको घर बैठे आराम से यूज कर सकते हो, एंड इसको क्लीन करना इज वेरी इजी। आई एम हैविंग दिस टूथब्रश, इसको ऑन कर लो और बस ऐसे ऐसे क्लीन कर दो तो हो गया ना। और इसको यूज़ करने के बाद एकदम रात में जब हम लोग सोएंगे तो मैं अपूर के लिए और अपने लिए कुछ फेस मास्क यूज़ करूँगी, और टुमोरो मेन टाइम पे निकलना है तो वी विल डिसाइड कि हम लोग को कल क्या पहन के जाना है, बिकॉज एयरपोर्ट लुक भी होना चाहिए डिफरेंट। सो दैट विल बी आई मीन दिस इज़ अनदर यू नो हैबिट ऑफ मी और चॉइस ऑफ मी, तो आई विल क्रिएट समथिंग नाइस, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस वेलकम बैक, और अभी जो है स्किन रूटीन चलेगी। तो थोड़ा टायर्डनेस तो हम लोग को लग रहा था, लेकिन रंजना ने बोला नहीं बनाते हैं, तो बोले ठीक है चलो बनाते हैं। तो हम लोग के तो कुक अभी आए नहीं थे आज आकाश, तो हमने सोचा कि जल्दी क्या बन सकता है, तो फिर सोचा कि बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो पिज्जा मंगवाए थे डोमिनोज का, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब जो है स्किन रूटीन हो रही है, तो रंजना पूरा ऑलरेडी सब आइटम्स वगैरह रेडी करके रखी है। तो ये मेरा हेयर बैंड लग गया और ये अच्छा हेयर बैंड है क्या? अरे इससे तुम्हारे बाल नहीं आगे आएंगे, तो एक बार क्लींस कर देते हैं। इतनी बार अपूर की स्किन केयर की है, लेकिन ये एक बार भी नहीं कि सीख के मेरा ही कर दे। नहीं अभी व्लॉग बन रहा है ना, तो उसमें एडिटिंग के टाइम में सीख लेंगे ओके तो ये क्लींस हो गया, राइट। अभी हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग के लिए आई एम यूजिंग रोज वाटर, ये गुलाबरी। तो साफ हाथों से थोड़ा सा थप, धीरे धीरे टोनिंग करने से पोर्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं टाइट। और इसके बाद अपूर की स्किन पे सूट करता है एलोवेरा जेल, बिकॉज उसकी स्किन नॉर्मल है, ना ऑयली है और ना ही ड्राई है। तो ये पहले हम लोग जेल लगा लेंगे, इसके बाद हमारी जो एक एलईडी मशीन है आई एम गोइंग टू यूज दैट। सो गाइस, ये है मल्टी फंक्शनल फेशियल मसाजिंग मशीन, और इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि नाइट केयर, अंडर आई केयर, स्किन लिफ्टिंग, वार्म क्लीन। तो इसकी भी स्ट्रेंथ को आप सेट कर सकते हो हाई या लो पे। तो मैं इसको ऑप्शन जो है फोटोग्राफी, मतलब कि ये जो भी क्रीम अगर आपने लगाई है ये हल्का सा वार्म रहता है तो ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ज्यादा इफेक्टिव यूजेस मिलेंगे। एंड प्लीज इसको क्लीन जरूर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। And this must be rotational too, मतलब upwards. Skin की कोई भी massage करते हैं ना तो ऊपर ही करते हैं। अपूर की तो चांदी है भी, और हम यहाँ पे करेंगे। These are the directions. This improves the blood circulation also. And as I told कि जो भी cream है that will be absorbed. अब इसके बाद हम इसमें ले रहे हैं हमारा eye care का option, which is can be used under eye. तो लेकिन gel जरूर लगे होना चाहिए या जो भी cream आप use करते हो। So it is very effective for the fine lines. इसको हम लोग बहुत कम use करते हैं,
या तो ट्वाइस इन अ मंथ या वंस इन अ मंथ। लग रहा है ना कुछ वार्म टाइप्स, थोड़ा हल्का हल्का गर्म लग रहा है। तो ये हमने किया ऑफ, लॉन्ग प्रेस दिस इज ऑफ, और इसके बाद एक बार हम दोबारा से स्किन को क्लेंस करेंगे वेरी लाइटली। एंड इसके बाद दिस इज नेचर्स फेशियल रेटिनॉल, तो इसका कुछ ड्रॉप्स बहुत ही लाइट मॉडल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस इज अ लिप बम जो अधिकतर गर्ल्स यूज करती हैं, बट बिकॉज आई थिंक कि ऐसा कुछ भी नहीं है स्किन केयर, चाहे बॉयज हो गर्ल्स, उनको अपने हिसाब से यूज करना चाहिए। और बस डन हो गया। यस, देखो अरे कैसा बड़ा लग रहा है, जल्दी आपने कर दिया, थोड़ा और मसाज कर दीजिए। नहीं बस इतने पैसों में इतना ही मिलेगा आपको। बढ़िया है, आप बताइए कमेंट में, मैं पूरा ग्लो हो गया। और कौन कौन सी सर्विसेज आपके पास रहती है, शोल्डर मसाज, नेक मसाज है क्या? वो आप उसके लिए थाईलैंड चले गए। सो गाइस, बहुत ही ग्लोई हो गया है चेहरा, तो अभी नींद भी बहुत आ रही है, तो ब्लॉग करते हैं पे एंड। और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।